नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, जिससे कि इस बारे में का जो नॉलेज है वो लोगों के अंदर बढ़े। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। जो हम पेशेंट्स रोज़ देखते हैं, जो भी मानसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियाँ होती है, उसमें एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आती है कभी कभी, कि लोगों में कभी कभी कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है। अब ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होना या ना होना, ये एक बहुत ही आम बात है। कोई कोई लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं पहले से, कोई कोई लोग नहीं होते। तो कॉन्फिडेंस के बारे में काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि ये क्यों होता है, या फिर इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, ये नज़र कैसे आती है, कैसे दिखाई देती है, बिहेवियर में कैसे दिखाई दे सकती है, फीलिंग में कैसे दिखाई दे सकती है, और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला पहली जो बात है वो है, पॉइंट नंबर वन इज़ कि इंसान को लग सकता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट एफिशिएंट, ये फीलिंग आ सकती है। तो इसके अगर इसको हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हमेशा ये सोचे कि हाँ मैं काबिल हूँ, आई एम एफिशिएंट। कभी कभी ये होता है कि बचपन से अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा है घर पे, कि अगर कोई बार बार बच्चे को कह रहा है कि नहीं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये अगर कॉन्वर्जेशन रहा है आज सराउंडिंग में, तो एक मन में भी वो बैठ सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं काबिल नहीं हूँ। तो ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक विचार हो सकता है। तो आपने ये सोचना है कि हाँ मैं काबिल हूँ, ये आपने एटलीस्ट सोच के देखना है। आपको सच नहीं भी लगे तो भी आपने सोचना है कि मैं काबिल हूँ। पॉइंट नंबर टू इज़ कि जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते वो हमेशा ये देखते हैं कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे अच्छा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये एक साइन हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी होने का। तो अगर हमें कॉन्फिडेंस अच्छा रहना, अच्छा रखना है, तो ये सोचे कि मुझे किसी के अप्रूवल की या फिर मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। कोई अप्रिसिएशन करे, अप्रिशिएट करे, तो ऑफकोर्स उसे एक्सेप्ट करना है, थैंकफुल होना है उसके बारे में, पर उसकी ज़रूरत है या फिर उसके सिवाय मैं फंक्शन नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना है। आप जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा किसी की अप्रिसिएशन की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये सही बात नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री है कि खुद को कंपेयर करना, हमेशा मन ही मन में खुद की तुलना दूसरों से करना कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं, या फिर मेरे पास मैंने कितना अचीव किया है, दूसरों ने कितना अचीव किया है, मेरे से लोग कैसे बात करते हैं और दूसरों से लोग कैसे बात करते हैं। ये कॉन्स्टेंट जो कंपैरिजन आती है, ये एक साइन हो सकता है लो कॉन्फिडेंस का। तो अगर हमें इसको दूर करना है तो आप हमेशा ये याद रखें कि आप यूनिक है, यू आर यूनिक, अदर पर्सन इज़ ऑल्सो यूनिक। आप में कुछ खूबियाँ है, दूसरों में भी कुछ अलग खूबियाँ हो सकती है। तो कोई चीज़ उन्हें मिल रही है इसीलिए वो आपको मिलनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप आपके हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से आप दूसरे क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी खूबियों पे कॉन्सेंट्रेट करिए और दूसरों को भी अपनी लाइफ जीने दीजिए। पॉइंट नंबर फोर इज़ कि जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है उनके अंदर हमेशा एक शर्म होती है, ज़्यादा शर्म आना किसी भी बात के ऊपर, ज़्यादा शर्म आना, कहीं पे भी बात करना है तो हिचकिचाते हैं वो लोग कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे कैसे देखेंगे। तो ये जो शर्म है ये थोड़ी सी कम अगर हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कम सोचेंगे कि लोग क्या बात करते हैं और आप फ्रीली आपका एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो बेशरम बनना है, थोड़ा बहुत बेशरम भी बनना है। और लास्टली पॉइंट नंबर फाइव है कि अगर कम कॉन्फिडेंस है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग
लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में बाद में सोचते हैं कि लोगों को कैसे लगेगा, लोग क्या कहेंगे, या लोगों में मैं अच्छा दिखूंगा या नहीं, ये विचार ज्यादा आता है। तो अगर हमें कॉन्फिडेंट रहना है तो ऑफकोर्स लोगों के बारे में भी बात करनी है, सोचना है, क्योंकि हमें उनके साथ ही रहना है, पर खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी है। आपको खुद को क्या लगता है इसको भी आपको अहमियत देनी है, आपके विचारों को अहमियत देनी है और दूसरों के भी विचारों को अहमियत देनी है, ऐसे दोनों के विचारों को अहमियत देनी है। तो ये कुछ टिप्स थी टू ओवरकम लो कॉन्फिडेंस एंड टू आइडेंटिफाई इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा सुन के। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।